you <laughs> नमस्कार जय हिंद दोस्तों आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग जय हिंद आप सभी को जय हिंद फटाफट फड़ से कनेक्ट हो जाए लिंक को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड के साथ ताकि वो भी कनेक्ट हो सके फिफ्थ ऑफ जनवरी का करंट अफेयर लेकर हम तैयार हैं क्या आप भी तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट फड़ से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड के साथ बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को ठीक है फटाफट से कनेक्ट हो जाए चलिए यहां पर मैं देख पा रहा हूं पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं वेरी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं जय हिंद बोल रहे हैं बिल्कुल अनु अनुपम अनु विश्वकर्मा आ चुकी हैं स्निग्धा आ चुकी हैं अंतिमा गुप्ता आ चुकी हैं अभि मिश्रा आ चुके हैं रिया मौर्य सरोज अग्रवाल बिल्कुल यस सर वी आर रेडी ओके हम सब आ गए हैं चलिए बहुत अच्छे फटाफट फड़ शुरू करते हैं है ना चलिए तो बिल्कुल जो एक सीरीज चल रही है उसी में हम चलते हैं डियर बहुत ही एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सभी से है ना कि जो हमने एक शुरू किया है सबसे पहले आया थॉट, जो थॉट आया उससे बना कोर्ट और जो कोर्ट बना उससे हम हुए अवेयर और जब हम हुए अवेयर तो हमें आई अंडरस्टैंडिंग समझ अब जब हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई हमें समझदारी आ गई इसके बाद क्या होगा बताएं कमेंट बॉक्स में बताएं मैं आपके भी कमेंट यहां पर लूंगा आपसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा थॉट जो मैंने आपको एक बताया था ना स्टार्टिंग में कि कोई भी एक थॉट आता है विचार आता है अपने आप पे थॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसी थॉट से जन्म होता है एक कोट का और वो कोर्ट हमें अवेयर करता है और उस अवेयरनेस से हमें अंडरस्टैंडिंग आती है और उस अंडरस्टैंडिंग से क्या होता है तो फटाफट फड़ से आप बताएंगे बताइए अंडरस्टैंडिंग के बाद यहां पर अब मैं क्या वर्ड बोलने वाला हूं या क्या आएगा ठीक है क्या वर्ड मैं बोलने वाला हूं और अंडरस्टैंडिंग के बाद क्या आने वाला है आप लोग क्या गैस कर सकते हैं तो बिल्कुल गैस करिए है ना गैस करिए वो वर्ड क्या आने वाला है ओके okay, रंजन कुमार भी आ चुके हैं गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग फटाफट फड़ कनेक्ट हो जाओ लिंक को शेयर कर दो है ना फैला दो बिल्कुल और अपने दोस्तों फ्रेंड्स को बिल्कुल बुला लो फटाफट से तो बताइए अंडरस्टैंडिंग के बाद क्या आएगा भाई फटाफट फड़ बताओ बहुत ज्यादा वेट नहीं करेंगे फटाफट से बताइए जब आया एक विचार विचार से आया कोर्ट और कोर्ट से आई अवेयरनेस किसी भी कोर्ट को आप देखते हो ना तो अवेयरनेस आती है जैसे क्या भाई ट्रेवल कर रहे हो तो लिखा होता है दुर्घटना से देर भली बिल्कुल ये कोट हमारे दिमाग में बिल्कुल बैठा होता है यानी दुर्घटना से देर भली भाई देर हो जाए कोई बात नहीं है लेकिन दुर्घटना ना हो है ना तो इस तरह के कोर्ट होते हैं ये हमें आप कभी कभी ध्यान से देखते हैं तो है बहुत बड़ी बात है ना फिर उससे अवेयरनेस आती है और अवेयरनेस के बाद अंडरस्टैंडिंग और उस अंडरस्टैंडिंग से क्या आता है भाई बता नहीं रहे हो तुम लोग चलिए यहां पर देखिए ओके चंदन दलाई बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं फालू बोल रहे हैं बोल रहे हैं सरोज अग्रवाल जी फारो बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर बोल रहे हैं बिल्कुल गुड मॉर्निंग आप सभी को तो ये अंडरस्टैंडिंग से क्या आता है भाई अंडरस्टैंडिंग से आता है कॉन्फिडेंस क्या आता है कॉन्फिडेंस और वो कॉन्फिडेंस हमारे काम करने में दिखता है यानी कॉन्फिडेंस जो हम बहुत ही हल्के में बोल देते हैं ना भाई कॉन्फिडेंट रहो कॉन्फिडेंट रहो कॉन्फिडेंस हवा में नहीं आता उसके पीछे जो वर्क किया जाता है जो उसके पीछे मेहनत होती है उससे आता है कॉन्फिडेंस और वो कॉन्फिडेंस अब हम देखेंगे नेक्स्ट यानी कल क्लास में देखेंगे कि कॉन्फिडेंस के बाद क्या आता है कॉन्फिडेंस के बाद कहानी कैसे आगे बढ़ती है ये कहानी आप देख रहे हो जो हॉले हॉले बढ़ती जा रही है हमारी इंस्पिरेशन की दुनिया में है ना जो हम स्टार्टिंग में आपसे कोर्ट डिस्कस करते हैं आई होप इस सभी इस चीज को आप जो है रिलेट कर पा रहे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ के साथ इंप्लीमेंट कर पा रहे होंगे है ना तो अंडरस्टैंडिंग से आता है कॉन्फिडेंस जब हमारी समझ होती है तो हम कॉन्फिडेंस के साथ किसी चीज को कह पाते हैं ठीक है थीके? चलिए तो चलते हैं इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कॉन्फिडेंस के आगे क्या कनेक्ट होगा यह देखने को मिलेगा हमें कल तो कल बिल्कुल जब आप कनेक्ट होंगे तो कॉन्फिडेंस के बाद फिर क्या होता है ये हमें पता चलेगा ठीक है चलिए फटाफट हम चलते हैं इसी के साथ ही अपने सेशन की तरफ करें तो सभी को पता है आप सभी को देन लास्ट डे हाईलाइट करंट न्यूज रैपिड फायर कंपाइल करंट फैक्ट स्टैटिक जीके एमसी एंड विनर एंड टूडे क्विस्ट क्वेश्चन इस तरह से डिस्कशन रहने वाला है जो भी फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए हैं वेलकम है आप सभी का बिल्कुल लास्ट तक सेशन में बने रहें देखने समझने की कोशिश करें हम किस तरह से क्या डिस्कस करते हैं आपकी कोई एडवाइस है सलाह है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो भी फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए हैं बिल्कुल डेली कनेक्ट हुआ करें लाइव आया करें तो आप लाइव सेशन से बहुत सारी चीजें सीखते हैं एक हेल्दी एटमोस्फियर बनता है तो चलिए हम इंटर करते हैं लास्ट डे हाईलाइट की तरफ दैट इज लास्ट डे हाईलाइट में इंटर करें तो फर्स्ट न्यूज हमारी कल थी ट्रिब्यूट से श्री मां शारदा देवी की एक सौ इकहत्तरवीं पुण्यतिथि मनाई और इसके बारे में बहुत सारे डिटेल पॉइंट हमने आपके साथ डिस्कस किए थे डिटेल पॉइंट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते जाइए तो एक रिविजन होता जाएगा आप सभी का है ना फिर इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट न्यूज थी हमारी नेशनल न्यूज थी पीएम मोदी ने केरल के त्रिशूर में महिलाओं की बैठक में हिस्सा लिया कहते हैं कि उन्होंने महिलाओं के जीवन को आसान बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है चाहे वो हम उज्ज्वला योजना की बात करें या फिर हम महिला आरक्षण बिल की बात करें या अदर बहुत सारी जगह पर हम बात करें ठीक है राजगंज जी आ रहे हैं गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग डियर है ना चलिए नेक्स्ट चले नेक्स्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की बात करें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ है यूक्रेन के काउंटर पार्ट डिमेत्री कुलोवा के साथ इनका नाम बिल्कुल आपको ध्यान रखना है दिमेत्री कुलोवा जी ने बोला कि हमने पहली न्यू ईयर में पहली बात जो की है वो इंडिया के आ, ए, एस जयशंकर साहब से की है ठीक है नेक्स्ट चल एरिया तो बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत उत्सव नई दिल्ली में भारत मंडपम में शुरू हुआ आत्मनिर्भर भारत उत्सव मनाया जा रहा है इसका उद्देश्य है देश में आत्मनिर्भरता की दिशा में किए गए प्रयासों को प्रदर्शित करना और आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाना जिससे हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे बहुत सारी चीजों पे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सके क्योंकि डियर किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर वो ग्रो करना चाहता है इकोनॉमी में आगे जाना चाहता है तो इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग नेक्स्ट हम बात करें यार नेशनल न्यूज में तो ओवर 1.64 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय गवर्नमेंट अक्रॉस द कंट्री ड्यूरिंग विकसित भारत संकल्प यात्रा भाई 1.6 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए गवर्नमेंट अक्रॉस कंट्री ड्यूरिंग विकसित भारत संकल्प यात्रा ठीक है ना चलिए आई होप इतना बिल्कुल डन होगा आप सभी को

लुइस ब्रेल लेकर आए थे जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं इनका बर्थ ईयर क्या है फटाफट से बताएं बर्थ ईयर क्या है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में बताइए देखते हैं कौन राइट right आंसर करता है किसको ध्यान है भाई और सबसे पहले कौन ये आंसर करेगा फ्रांस में इनका जन्म हुआ था लुइस ब्रेल जी का लेकिन बर्थ ईयर क्या है ये आपको बताना है है ना तो इन्हीं की याद में ये ब्रेल दिवस मनाया जाता है दुनिया भर में ये मनाया गया और जो भी ब्लाइंड पर्सन है फाइनली उनके द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया और बहुत सारे प्रोग्राम्स और ऑर्गेनाइज किए गए ठीक है चलो देखिए राहुल कुमार जी का आंसर आया है, एटीन जीरो नाइन बोल रहे हैं रिया मौर्य का भी आंसर आ चुका है बिल्कुल वेरी गुड एटीन जीरो नाइन सरोज अग्रवाल भी एटीन जीरो नाइन एटीन जीरो नाइन अनामिका जैहन बोल रही है बिल्कुल डियर जय हिंद सरोज फ्रांस बोल रही हैं चंदन दलाई एटीन जीरो नाइन अनामिका एटीन जीरो नाइन बहुत अच्छे वेरी गुड एटीन जीरो नाइन ही है फ्रांस में इनका जन्म हुआ था ब्रेल दिवस मनाते हैं इसकी थीम रियर डिसाइडेड नहीं थी थीम मतलब अनाउंस नहीं हुई है हुई होती तो हम लोग बिल्कुल डिस्कस करते ठीक है रिद्धि मिश्रा भी एट्टी जीरो नाइन बोल रही है चलिए ये इंपॉर्टेंट डे था एक फिर हम बात करें रूस ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है और बहुपक्षीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने की बात की है फाइव और कंट्रीज हैं जो यहां पर कनेक्ट करने की बात की है और उसके लिए हमने एक कोडवर्ड दिया था क्या इशू है ना यही तो था इशू ही तो था बिल्कुल जी हाँ इशू था तो इससे आप जो फाइव कंट्रीज हैं जिनको ब्रिक्स में जो मेंबर्स हैं वो बढ़ने वाले हैं तो फाइनली ये फर्स्ट ऑफ जैन से रशिया के व्लादिमिर पुतिन जी के साहब पास यहां पर आ गया है ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका जिसे बहुपक्षीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके क्योंकि रशिया बहुत अधिक जो है अलग थलग हम बात करें तो रशिया यूक्रेन वॉर जो है यूएस ने बहुत अधिक इसी तरह से डोमिनेट करने की कोशिश करता है कोल्ड वॉर तो बहुत टाइम तक चलता रहा इसकी वजह से बहुत सारी जगह जहां पर इंसर्जेंसीज हमें देखने को मिलती नहीं ठीक है ना ओके डियर यहां पर इशू आई डबल एस एस से दो थे या ई से दो थे भाई आई डबल एस आईसीयू आई एस यू आई एस यू आई सी यू आई सी यू हाँ भाई यहाँ पे थोड़ा सा देखो करेक्शन करना मैं भी देखो भूल रहा था है ना यहां पे जो है आपका ये आई सी यू ये ज्यादा ध्यान रखो आई एस डबल ई e, यू है ठीक है अरे भाई हटा दो इसको ठीक है ना हटा दो इसको ऐसे ध्यान रखो आई सी यू ऐसे आप ध्यान रख सकते हो अब इन कंट्रीज का एब्रीवेशन भी फटाफट से बता दो I फॉर I फॉर ईरान ठीक है ना I फॉर ईरान ई स्क्वायर है हाँ ई e स्क्वायर है e issue e issue ध्यान e रख सकते हैं डियर है ना इशू issue भगवान issue है ना आई एस यू आई एस यू और ई डबल बार है ठीक e है आई एस यू ई डबल बार है ठीक है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो है ना बहुत ज्यादा डिस्कशन कर लेते हैं ना जिस चीज पे वो फिर लगता है कि भाई है ना फिर बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना है इस चीज को है ना तो आई एस यू और ई e स्क्वायर ध्यान रखो जितना ही कॉम्प्लिकेटेड हम आसान करने की कोशिश करते हैं उतनी ही चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं कई बार ऐसा हमें देखने को मिलता है जिसका यह जीता जागता एग्जाम्पल है ठीक है आई एस यू और ई e स्क्वायर अलग से ध्यान रख लो ठीक है e, ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है वहां से भी मैंने बनाने देखने की कोशिश की थी लेकिन वहां से भी नहीं बन रहा था ठीक है चलो बहुत अच्छे आई फॉर ईरान है ई ई फॉर 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 क्या है है भाई E4, दोनों कंट्रीज के नेम बताइए और S4 और एस यू ठीक यूनाइटेड अरब इमिरेट्स हाँ चलिए नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट नेर बिल्कुल करंट न्यूज की तरफ हम लोग इंटर कर रहे हैं तो फटाफट चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की करंट न्यूज का सिलसिला देखते हैं आज हमारे लिए न्यूज क्या इंपॉर्टेंट होने वाली है दैट इज सबसे पहले न्यूज का कैटेगराइजेशन कुछ इस तरह से रहता है नेशनल न्यूज हो सकती है ट्रिब्यूट हो सकता है इंपॉर्टेंट डेज स्टेट न्यूज इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट इनग्रेशन लॉन्चिंग फाउंडेशन स्टोन डिफेंस न्यूज या फिर नेक्स्ट चले तो इंडेक्स एंड रैंकिंग हो सकती है बैंकिंग अवार्ड एंड ऑनर हो सकता है बैंकिंग एंड इकोनॉमी बैंकिंग एंड फाइनेंस बिजनेस कॉर्पोरेट आर्ट एंड कल्चर साइंस टेक्नोलॉजी बुक्स एंड ऑथर जी आई टैग या फिर स्पोर्ट्स या फिर ऑबिचरी ठीक है बिल्कुल इतना आप समझ पा रहे होंगे इजिप्ट एंड इथोपिया ठीक है वेरी गुड इजिप्ट है निथोपिया एस फॉर सऊदी अरेबिया है और यू है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स है आई फॉर ईरान है ठीक है चलिए बिल्कुल सही है राहुल कुमार जी बोल रहे हैं सर आई सी यू तो सबसे अच्छा है बिल्कुल यार आप बिल्कुल याद रख सकते हैं इस तरह से भी जिसको जो दोनों पार्ट से आप रख सकते हैं जिसको अच्छा लग रहा है आई सी यू तो वाई आई सी यू रख सकता है जिसको आई एस यू ई स्क्वायर लग रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ध्यान रहेगा है ना अब ब्रिक्स ब्रिक्स देखो कोई वर्ड तो है नहीं कंट्रीज के नेम ही है पहला पहला लेटर लिया और ब्रिक्स अब हम बहुत अच्छे से ब्रिक्स को जानने लगे तो बस वही तरीका है यहां पर अब ऐसा कुछ इन्होंने तो बनाया नहीं है लेकिन हमें तो बनाना पड़ेगा ना याद करने के लिए ठीक है तो जैसे हम बोल देते हैं बिम्स्टेक तो बिम्स्टेक क्या है बिमस्टेक बिमस्टेक कोई नेम थोड़ी है हर कंट्री का जो उसका फुल फॉर्म है उसके पहले पहले लेटर्स को लेकर हमने बनाया है ना चलो चलते हैं फर्स्ट न्यूज की तरफ फर्स्ट न्यूज आ रही है यार भाई बिल्कुल हमारा पड़ोसी देश है बहुत बड़ाई कर रहा है है ना मोदी जी की बहुत बड़ाई की है चाइना ने कहा पे कैसे क्या हुआ है देखिए देखते हैं है ना चाइनाज स्टेट रन ग्लोबल टाइम्स प्रेज इंडिया रिमार्केबल प्रोग्रेस अक्रॉस इकोनॉमिक गवर्नेंस फॉरन पॉलिसी अंडर द लीडरशिप ऑफ पी मोदी चीनी चीन की सरकार सरकारी ग्लोबल टाइम्स ने है ना चीन के सरकारी ग्लोबल टाइम्स जैसे हमारे यहाँ पी है

सरकार में क्या हुआ है बहुत ही झंडे गाड़ दिए हैं ऐसा चाइना की सरकारी ग्लोबल टाइम्स का कहना है तो बिल्कुल ये हमारा पड़ोसी देश है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हमारा पड़ोसी देश हमारे बारे में कुछ बोल रहा है तो मैंने एज अ इंफॉर्मेशन इसको क्या किया है कनेक्ट किया है आपके साथ जिससे आप इसको ध्यान रख सके और कहीं ना कहीं एक दिमाग में आपके पॉइंट क्लियर हो ठीक है वैसे चाइना हमेशा विस्तारवादी नीति की बात करता है लेकिन हाँ वो चीजें होती हैं एंड ऑफिशियल है ये सब चीन की सरकारी ग्लोबल टाइम्स ने पीएम मोदी के नेतृत्व तो में आर्थिक शासन और विदेश नीति में भारत की उल्लेखनीय प्रशंसा की है डायरेक्टली आपको बस ध्यान रखना है ये बात है ना सरकारी ग्लोबल टाइम्स ग्लोबल टाइम्स की बात हो रही है चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चले नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई नेशनल न्यूज है ये भी जम्मू एंड कश्मीर में अगर हम बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इनाग्रेट किया गया है एक मेगा एक्सपो मेगा एक्सपो क्या किया गया है इनोग्रेट किया गया है मेगा एक्सपो तो डायरेक्टली आपको हाल ही में कहा इनग्रेट किया गया है, के में किया गया है, डियर, है ना? और ये पूछ दी जाती है इमर्जिंग स्टार्टअप ट्रेंड्स इन नॉर्थ इंडिया इमर्जिंग स्टार्टअप ट्रेंड्स इन नॉर्थ इंडिया एट कठुआ कठुआ डिस्ट्रिक्ट आपको नाम ध्यान रखना है ठीक है कठुआ डिस्ट्रिक्ट आपको नाम ध्यान रखना है ठीक है जम्मू कश्मीर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कठुआ में उत्तर भारत के उभरते स्टार्टअप रुझान थीम के तहत मेगा एक्सपो का उद्घाटन किया है एज वेल एज आपको ध्यान रखना है यूनियन मिनिस्टर भी हैं और यूनियन मिनिस्टर ये कौन से दिख रहे हैं भाई बताओ फटाफट से अगर आप समझ पा रहे हो पहचान पा रहे हो इनको तो बताइए कौन मिनिस्टर है इनका नाम क्या है ठीक है बिल्कुल राधे वेरी गुड मॉर्निंग मैं ठीक हूँ आई होप आप सभी भी ठीक होंगे खान जी भी आ चुके हैं गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं आलोक कुमार आ चुके हैं भाई है ना तो फटाफट फड़ बिल्कुल कनेक्ट हो जाओ कुछ है ना चल लिंक को शेयर कर देना अगर ना किया हो चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर वाइस प्रेसिडेंट जगदीत धनकर साहब टुडे यानी कल की बात हो रही है अ मेगा एक्सपो अंडर द थीम इमर्जिंग स्टार्टअप ट्रेंड्स इन नॉर्थ इंडिया इमर्जिंग स्टार्टअप ट्रेंड्स इन नॉर्थ इंडिया ध्यान रखना है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हुआ है इन अगस्त प्रेजेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो अब बता दो फटाफट से मिनिस्टर का नाम क्या है नहीं तो अभी आ जाएगा ठीक है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी यहां पर उपस्थित रहे थे ठीक okay, है ओके चलिए ऑल द बेस्ट सेमेस्टर वाइज एग्जाम है अनामिका बोल रही है बिल्कुल चलिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह भैया नहीं जानते हो इतने सिंपल है विकास कुमार जी बोल रहे हैं ऐसा नहीं पता ठीक है हाँ बिल्कुल राधे मैं आपकी पॉइंट देख लिया है मैंने ठीक है डॉक्टर जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है जितेंद्र सिंह भी हाँ पर मौजूद रहे हैं कठुआ ध्यान रखना है जगदीप धनकर जी के द्वारा शुरू किया गया है, मेगा एक्सपो है इमर्जिंग स्टार्टअप ट्रेंड्स इन नॉर्थ इंडिया ठीक है नेक्स्ट चलेंगे जम्मू कश्मीर भारत के राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज केंद्रीय राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की गरिमा मई उपस्थित में कठुआ में उत्तर भारत के उभरते स्टार्टअप रुझान विषय के तहत एक मेगा एक्सपो का लॉन्चिंग की है बिल्कुल राधे हमने को डेली सेशन में डिस्कस किया था उसको हम कंपाइल करके आपको दे देंगे ठीक टेली है टेलीग्राम चैनल पर आप ऐड हैं ग्रुप पे वहां पे आपको मिल जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट चले नेक्स्ट न्यूज आ रही है ये नेशनल न्यूज है ये भी और ये भी न्यूज एज अ थोड़ा सा थ्योरेटिकल है हम ध्यान से समझेंगे क्या बात है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है प्रेरणा ठीक है क्या लॉन्च किया है प्रेरणा इससे पहले अभी श्रेष्ठा लॉन्च किया था उसका भी फुलफॉर्म हमने आपके साथ देखा था डियर है ना प्रेरणा लॉन्च किया है प्रेरणा अब ये तो हिंदी में प्रेरणा हम लिख देते हैं लेकिन यहां पर जो है ये आपका है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रेरणा लॉन्च किया गया है पी ई आर -E ए एन ए प्रेरणा

लॉन्च किया गया अभी हाल ही में बताइए किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्रेरणा है ना तो बिल्कुल ध्यान रखना है एजुकेशन मिनिस्टर का नाम भी राहुल देखिए बता रहे बहुत अच्छे धर्मेंद्र प्रधान जी चलिए देखते हैं किस तरह से पॉइंट्स बनने वाले हैं क्या पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे क्या ऑब्जेक्टिव है इसका ये सारे पॉइंट्स हम सभी ध्यान रख के चलेंगे ठीक है गवर्नमेंट हैज लॉन्च प्रेरणा एंड एक्सपेरियंटल लर्निंग प्रोग्राम है फॉर डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज इन स्टूडेंट्स डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स में लीडरशिप क्वालिटीज को इनबिल्ड करने के लिए इसको शुरू किया गया है ठीक है स्टार्ट किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री सेट प्रेरणा इज गिवेन स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल है ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड द फिलोसफी ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन विच इज स्टोन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इवनिंग तक डियर मिल जाएगा उसके लिए आप परेशान मत हो डेली सेशन में जितना किया है उतना भी इनफ है ठीक है अगर आप उस टाइम पे रहे हैं तो जो भी डिस्कस हुआ है कॉप ट्वेंटी एट की मीटिंग से वो इनफ है ओके ठीक है तालिब खान जी बोल रहे हैं जीआई टैग के लिए ठीक है ग्रुप पे ये सारी चीजें एक बार पिन कर दिया करिए तो वहां पे थोड़ा सा रिकॉल हो जाता है ध्यान हो जाता है ठीक है क्योंकि तो यहां से बहुत सारी चीजें रहती हैं तो कई बार स्किप हो जाती हैं आप टेलीग्राम ग्रुप पे जब रेस कर देंगे तो वो ध्यान रहता है ठीक है चलो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ध्यान में रखते हुए यहां पर ये बात हो गई है ना इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है

उसका आंसर भी करूंगा आपके क्वेश्चन का या आपके व्यू का जो भी इस तरह की चीजें हैं आप टेलीग्राम ग्रुप पर बिल्कुल बताया करें ठीक है चलिए इट इज रूटेड नाइन वैल्यू बेस्ड थीम्स है भाई कौन कौन सी नाइन वैल्यू बेस्ड थीम है देख लेते हैं स्वाभिमान एंड विनय स्वाभिमान एंड विनय शौर्य एंड साहस स्वाभिमान एंड स्वाभिमान एंड विनय शौर्य साहस परिश्रम एंड समर्पण परिश्रम एंड समर्पण अब देखो स्वाभिमान और विनय स्वाभिमान भी होना चाहिए और विनय भी दोनों ये पॉजिटिव वर्ड है लेकिन दोनों एक दूसरे के क्रॉस है क्रॉस मतलब कैसे जैसे स्वाभिमान होना जरूरी है लेकिन स्वाभिमान अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर वो स्वाभिमान नहीं वो घमंड हो जाता है है ना वो निगेटिव सेंस में चला जाता है वो इगोइस्टिक हो जाता है ईगो हो जाता है ठीक है तो स्वाभिमान भी होना जरूरी है उसके साथ ही विनय का होना भी जरूरी है विनम्रता विद्या ददाती विद्या ददाती विनियम विद्या विनय देती है विनम्रता होनी चाहिए विनम्रता बहुत बड़ा गुण है मानव जीवन का हम सभी का विनम्रता बहुत बड़ा गुण है ठीक है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम विनम्र रहे हमेशा और विनम्रता के साथ हम अपनी चीजों को अपने कामों को करें ठीक है सौर्य एंड साहस अब देखो सौर्य सौर्य होना चाहिए और साहस होना चाहिए करज है ना परिश्रम और समर्पण परिश्रम अब देखो परिश्रम तो हमें करना है लेकिन परिश्रम करने के बाद अगर ये जाए हमने इतना सारा काम कर लिया देखो हमने बहुत मेहनत की तो फिर यह गलत है समर्पण होना चाहिए ठीक है ना परिश्रम एंड समर्पण फिर करुणा और सेवा करुणा हमारे अंदर जब करुणा होगी तभी हम सेवा करेंगे अगर करुणा नहीं होगी तो हम सेवा नहीं करेंगे और अगर भारत जैसे देश में रहते हुए करुणा और सेवा से हमारा वास्ता नहीं तो हमें बहुत सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा हमारा कल्चर हमारी संस्कृति ये बात हमें ध्यान दिलाती है इसके साथ ही हमें देखो एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट ध्यान आ गया भाई अभी बहुत सारी चीजें होती हैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो डेली सेशन में नहीं हो पाती मतलब जैसे जापान में अभी एक हुई घटना से आप सभी रूबरू होंगे फर्स्ट ऑफ जैन को बहुत सारे जो है अर्थ क्वैक के झटके देखे गए इसके साथ ही एक और इसके बायलेट इसके साथ में ही एक और कोइंसिडेंस हुआ जापान में आप सभी ने सुना होगा उसके बारे में दो मिनट मैं लूंगा इस घटना को जापानियों से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए तो क्या हुआ कि एक प्लेन था बहुत सारे जो है आपके जहाज़ थे जो कि तैयार रखे गए थे हेल्प करने के लिए अर्थ क्वैक्ट काली कंडीशन से निपटने के लिए तो एक जो है यात्री विमान आ रहा था उस विमान में अप्रॉक्स टू हंड्रेड के आसपास अप्रॉक्स नंबर मुझे ध्यान नहीं है इतने यात्री थे को मेंबर थे क्रू मेंबर थे पूरा टोटल आ रहा था ये तो ये जो अन था अनशेड्यूल्ड जो थे जो हेल्प के लिए जाने वाले थे अर्थ क्वैक वाली जहाँ सिचुएशंस हैं वहाँ पर खड़े थे तो ये जो विमान आया यात्री विमान ये टकरा गया और इसमें आग लग गई डियर जानकर आपको आश्चर्य होगा जापान का जो डिसिप्लिन है वहां का जो एक कल्चर है इतने अच्छे तरह से उसको इंप्लीमेंट किया है इन्होंने जिसको देखकर काबिल एक तारीफ है हम सोच नहीं सकते दुनिया कहेगी चमत्कार है अगर आप अपने पर फोकस रहते हुए पेशेंस के साथ कोई काम करते हो तो दुनिया कहती है चमत्कार है लेकिन आप कहते हो इसमें कोई चमत्कार नहीं ये तो जाहिर यह तो नॉर्मल सी बात है आपके लिए वो नॉर्मल है लेकिन दुनिया के लिए वो चमत्कार है क्योंकि आपने उस पर काम किया है जापान ने यही कर दिखाया आपको जानकर आश्चर्य होगा जब विमान लैंड किया और फाइनली रनवे पर दौड़ रहा था तो उसमें आग लगी हुई थी आग लग चुकी थी सारे के सारे पैसेंजर्स शांति के साथ बैठे हुए थे एक दो पैसेंजर्स ने वीडियोस वगैरह बनाए और फाइनली 90 सेकंड्स के अंदर जो भी हमारी एयरलाइंस है वो ये बात कहती हैं कि कभी भी इमरजेंसी की कंडीशन में ऑनली ऑन नाइन्टी सेकेंड डेढ़ मिनट में ये प्रैक्टिस कराई जाती है ये ट्रेनिंग कराई जाती है कि पूरा विमान खाली हो जाना चाहिए अगर ऐसा होता है तो वो एयरलाइंस की गाइडलाइंस को फुलफिल तरीके से पूरा करता है लेकिन ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ कि कोई ऐसा करके दिखाए लेकिन जापान ने ऐसा कर दिखाया आप कहेंगे सर इसमें क्या बड़ी बात है आग लगी हुई थी प्लेन रुका कोई भी शोर नहीं एक एक करके वन बाय वन हमारे यहां तो जब प्लेन लैंड होता है मतलब आप खुद देखें है ना तो जो अनाउंस uh, करते हैं वो अनाउंसमेंट को किनारे करते हुए ठीक है सुन लिया और सब आगे हो जाते हैं और गजब की बात है किसी ने भी अपना लगेज नहीं लिया बिना लगेज लिए हुए क्योंकि उनको इस बात की कीमत पता है कि हमारे 10 सेकंड का डिले किसी की जान ले सकता है सारे के सारे सुरक्षित बच गए एक भी जो है आपका कैजुअलिटी नहीं हुई है ये आश्चर्यजनक घटना है अगर आप इसका मलबा देखेंगे आया होगा ऑनलाइन जाकर भी देख सकते हैं न्यूज़पेपर्स में भी रहा है तो आप देख सकते हैं पूरा खाक हो गया प्लेन लेकिन 90 सेकंड्स के अंदर सारे के सारे क्रू मेंबर्स सारे के सारे पैसेंजर्स बहुत ही विनम्रता के साथ बाहर आ गए और एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई है किसी ने कोई भी अपना लगेज नहीं लिया वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन यहां तो क्या होगा सब समझ ही पाएंगे 90 सेकेंड्स में कि क्या करना है कहां क्या करना है किस, कैसे जान बचानी है अपनी जान बचाओ दुनिया का क्या एक सीरियल से एक लाइन से और बिल्कुल पेशेंस के साथ जो क्रू मेंबर बोल रहे हैं उनको ध्यान से एयर जो है सुन रहे हैं अरे जो एयर हॉस्टेज होती हैं जो करमेंट हो रहा था उसको ध्यान से सुन रहे थे तो काबिल तारीफ है जापानियों का ये जो है डिसिप्लिन उनको सलाम करना चाहिए और उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं हैं जो जापान के कल्चर में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से क्या किया है इनबिल्ट किया है ठीक है क्लियर है इतनी बात आप जाकर इस घटना को देख सकते हैं बहुत ही लाइमलाइट में है हम सभी ने इसरो ना, हमने जो इंटरेस्टिंग मनाया न्यू ईयर अपना वो रॉकेट लॉन्चिंग के साथ एक्सपो सैट के साथ मनाया लेकिन जापान का अर्थक्वेक से शुरू हुआ और फाइनली ये घटना देखने को मिली लेकिन इतनी बुरी से बुरी परिस्थिति में भी इन्होंने बहुत ही पेशेंस के साथ और एक काबिल तारीफ काम कर दिखाया जो होता है नहीं है पॉसिबल उसको कर देते हैं पॉसिबल ठीक है तो हमें सीखना चाहिए चली तो ये घटना आई होप आपको ये पॉइंट अच्छा लगा होगा आप जाकर इसको समझ सकते हैं और बहुत सारी है कुछ कभी कभी मैं जापानी जो वर्ड्स हैं जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि आ, अतिथि देवो भवा या ऐसे कुछ संस्कार होते हैं बचपन से ही है ना तो ऐसे ही बहुत सारे संस्कार है जापान में और उनका क्या मोटिव है वो हमें समझने की जरूरत है जापानी बच्चे जो होते हैं वहाँ के पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने जैसे होता है ना पेरेंटिंग बहुत जरूरी है पेरेंटिंग पेरेंटिंग में वहाँ पे डांटते नहीं है वो बच्चों को ये एक तरह से अपराध माना जाता है कि पब्लिक प्लेस पर बच्चे को किसी अदर के सामने डांट लगाना इससे उसका सुधार नहीं होगा अगर कोई गलती हुई है तो उसी गलती को सुधारने का जैसे सपोज करो कोई प्रॉब्लम हो गई कुछ गड़बड़ कर दी अरे तुमने तो गड़बड़ कर दी जब बच्चे होते हैं ना घर पर कुछ फैल गया दूध फैल गया पानी फैल गया है ना तो डांटना शुरू कर दिया है ना डायरेक्टली उनको क्या किया उसको साफ करने को बोल दिया बस यही उनका पनिशमेंट है और यही उनका सुधार है ठीक है ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जापानी अपने बच्चों को कभी भी अपनी लाइफ टाइम वो बच्चे टीवी नहीं देखते हैं क्यों टीवी नहीं देखने देते हैं क्योंकि डायरेक्टली इसका असर हमारे सोचने समझने की क्षमता पर होता है जापान और असलियत में होता है ऐसा उनका मानना है तो जापानी जो बच्चे होते हैं बचपन से लेकर अपने बड़े होने तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने तक कोई भी टीवी एंड अदर चीजें नहीं देखते हैं ओके सुबी सिस्टर रिकॉर्डेड क्लास है तुम लोग दिमाग खराब है लाइव हूं मैं लाइव क्लास है लाइव रिकॉर्डेड इसी में फंसे रहते हो भैया जय हिंद प्रतीक गुप्ता जी आए हैं बिल्कुल अभी अभी आ रहे हो भैया लाइव है क्लास रिकॉर्ड नहीं है ये कौन अफवाहें फैला रहा है अफवाहें फैलाने का काम किसने शुरू कर दिया अफवाह मत फैलाओ मैं लाइव हूं ठीक है चलिए कहां से तुम लोग शुरू कर देते हो एक सिगुफा छोड़ देते हो रिकॉर्डेड क्लास है क्या आज अच्छा सुभी सिंह बोल रही है नहीं भैया नहीं 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 शुभी है ना ऐसे सुबूे मत छोड़ो है ना अब देखो कंफ्यूजन हो जाता है ना सभी को नहीं लाइव हूँ लाइव हूं भाई चलो चलिए आयो बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो करुणा और सेवा अब देखो यहां से ये पॉइंट आया तो मुझे ध्यान आया चलो आगे चलते भाई विविधता और एकता सत्यनिष्ठा और शुचिता ठीक है चलो आगे चले फटाफट नवाचार एंड जिज्ञासा नवाचार बहुत इंपॉर्टेंट है जिज्ञासा श्रद्धा और विश्वास अब देखो ये सारे वर्ड्स हमने कहीं ना कहीं सुने होते हैं लेकिन इनका मीनिंग इनको ऑब्जेक्टिव इनका जो एक बेस है वो कहीं ना कहीं हमें पता नहीं होता है ना ये कहीं ना कहीं पता हमें नहीं होता है ठीक है चलिए एंड स्वतंत्रता और कर्तव्य स्वतंत्रता अब देखो हम कहते हैं ना घर में कई बार होता है पेरेंट्स नहीं मम्मी हमें स्वतंत्र रहना है हम अपने मर्जी के काम करेंगे लेकिन कर्तव्य स्वतंत्रता हमें यह नहीं कि हमारा जो मन आएगा हम वो करेंगे स्वतंत्रता एक बहुत बड़ा कर्तव्य देता है बहुत बड़ा कर्तव्य होता है आपके पास है ना चलिए चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्रेरणा स्कूल का पाठ्यक्रम सेम एज वेल एज आपके लिए स्लाइड हिंदी में अवेलेबल है आप इसको देख सकते हैं चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आ रही है निकलकर आपकी ये एज अ इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल नेशनल न्यूज है दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में मोस्ट वांटेड हिजबुल आतंकवादी जावेद मट्टू को क्या कर लिया है गिरफ्तार कर लिया है एज अ इन्फो है आपको ध्यान रखना है दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में मोस्ट वांटेड हिजबुल आतंकवादी है जावेद मट्टू जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है ठीक है जावेद मट्टू ठीक है नेक्स्ट आ जाए नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई इंटरनेशनल न्यूज है डायरेक्टली आपको ध्यान रखनी है इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सचेंज इंडिया और पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन फैसिलिटीज जो है उनकी लिस्ट को क्या किया एक्सचेंज किया है यह हमारा इंडिया का और पाकिस्तान के साथ एक साइन अप हुआ था डील साइन अप हुई थी यह डील क्या है हम सभी देखेंगे तो चलिए फटाफट फड़ देखते हैं भारत पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से निकल कर आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलिए इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सचेंज क्या किया है टू कंट्रीज ये, uh, ये दो कंट्रीज के बीच में यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट हुआ है प्रोहिबिटेड ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को लेकर ठीक है और यह अग्रीमेंट कब हुआ था फटाफट फड़ से बताओ The agreement was signed in 1988 एट्टी आपको ध्यान रखना है, ये अग्रीमेंट कब साइन हुआ है 1988 में साइन हुआ था 1988 में साइन हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान आर रिक्वायर्ड टू इनफॉर्म ये इफॉर्म किया जाएगा ईच अदर दोनों एक दूसरे को इनफॉर्म करेंगे कि हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कहां कहां पर है एंड फैसिलिटीज क्या है टू तो बी कवर्ड अंडर द एग्रीमेंट या एंड एग्रीमेंट के अंदर कवर्ड है फर्स्ट ऑफ जैन ऑफ एवरी कैलेंडर ईयर एवरी फर्स्ट ऑफ जैन को यानी एवरी कैलेंडर ईयर में फर्स्ट ऑफ जैन को ये दोनों देश अपनी अपनी, अपनी अपने अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज के बारे में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं हम अपनी लिस्ट

नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज आ रही है इंटरनेशनल न्यूज है कतर अदालत ने आठ भारतीय नौसैनिक के दिग्गजों को उनकी जेल की सजा के खिलाफ अपील करने के लिए साठ दिन का समय दे दिया है सिक्सटी डेज का समय दे दिया जो बहुत टाइम से ये चल रहा था फाइनली आप सभी को समा, पता है डियर कतर अदालत ने आठ भारतीय नौसैनिक दिग्गज जो, है, है ना इंडियन नेवी बैटर है सिक्सटी डेज की इनको अपील दे दी टाइम दे दिया गया है प्रेजेंट टर्म्स ठीक है ना तो ये भी एज अ इन्फॉर्मेशन है न्यूज आपको ध्यान रखनी है नेक्स्ट आ जाए नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई डिफेंस से रिलेटेड द रिलेटेडिंग फोर्टी फाइव गर्ल्स

कॉप्स रिपब्लिक डे कैंप टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर फॉर द फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है नेक्स्ट चलेंगे द गर्ल्स बिलोंगिंग टू द एज ग्रुप थर्टीन टू फिफ्टीन यानी जो uh, एज ग्रुप रहेगा वो थर्टीन से फिफ्टीन रहेगा विल प्रेजेंट विल रिप्रेजेंट अ रिच कल्चरल हेरिटेज रिच कल्चरल हेरिटेज को नॉर्थ ईस्ट का रिप्रेजेंट करेंगे एंड सो केस ऑफ द रीच ऑफ एनसी एनसीसी की रीच ऑल ओवर इससे होगी एवरी नॉक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री ठीक है डियर अभी बिल्कुल एनसीसी का फुल फॉर्म आपके सामने आया निकलकर है ना नेशनल कैडेट कॉप्स नेशनल कैडेट कॉप्स ठीक है चलिए नेक्स्ट चल रहे हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या आ रहा है भाई डायरेक्टर जनरल एनसीसी के कौन है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह गुरबीर पाल सिंह ने इन्फॉर्म किया है दैट अ टोटल टू थाउजेंड टू सेवन फोर कैडेट्स हैं टोटल अगर हम बात करें तो दो हजार दो सौ चौहत्तर कैडेट्स हैं इंक्लूडिंग इन हाइएस्ट पार्टिसिपेशन ऑफ नाइन जीरो सेवन गर्ल्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री आर टेकिंग पार्ट इन द मंथ लॉन्ग कैंप ठीक है एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह के महानिदेशक ने बताया है कि देश भर में नौ सौ सात लड़कियों की उच्चतम भागीदारी सहित दो हजार दो सौ चौहत्तर कैडर महीने भर में शिविर में भाग ले रहे हैं नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज न्यूज में आए, भी हमारी डियर आ रही है डिफेंस रिलेटेड न्यूज ही आ रही है यहां पर क्या है भाई आठ uh, सौ करोड़ रुपए से अधिक के दो अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं डिफेंस मिनिस्ट्री ने ठीक है, है डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है डिफेंस मिनिस्ट्री डिफेंस मिनिस्ट्री ने दो कॉन्ट्रैक्ट साइन अप किए हैं टू कॉन्ट्रैक्ट साइनअप किए हैं टू कॉन्ट्रैक्ट जिनका वर्थ है कितना ओवर 802 टू करोड़ के हैं टोटल है ना 800 करोड़ से ज्यादा के एट हंड्रेड टू करोड़ ठीक है प्रोक्योरमेंट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट मिलिट्री इक्विपमेंट से रिलेटेड है मिलिट्री इक्विपमेंट से रिलेटेड है ठीक है चलो देखते हैं कुछ और पॉइंट्स द डिफेंस मिनिस्ट्री साइन टू कॉन्ट्रैक्ट वर्थ एट जीरो टू करोड़ फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट इन न्यू डेली रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में साइन उप करोड़ के खरीद के लिए आठ सौ दो करोड़ रुपए के दो अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं डायरेक्टली आपको ये आठ सौ दो करोड़ जो अमाउंट है वर्थ है ये आपको ध्यान रखना है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा साइन किए गए दो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए न्यू डेली में साइन अप हुए हैं और यहाँ पर क्या पॉइंट निकलेंगे देखते हैं द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड प्रोक्योरमेंट ऑफ सिक्स नाइन सेवन बोइंग ओपन मिलिट्री वैगन जो कि ज्यूपिटर वैगन लिमिटेड एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ फिफ्टी सिक्स इक्विपमेंट एट कॉस्ट ऑफ थ्री टू नाइन करोड़ रुपी लिमिटेड के साथ मूवर लिमिटेड के साथ अप हुआ है तीन सौ करोड़ का जो फिफ्टी सिक्स मैकेनिकल मैन फील्ड मार्किंग इक्विपमेंट है और ये जो सिक्स नाइन सेवन बोइंग ओपन मिलेट्री वैगन है यह अप हुआ है ठीक है ये ज्यूपिटर वैगन लिमिटेड के साथ साइनअप हुआ है ठीक है क्लियर इतनी बात भाई सभी की चलिए डेन इतना इतना क्लियर हो रहा है आप सभी को नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले तो सेम एज एज वेल हिंदी में इन बंधों में जुपिटर वैगन लिमिटेड के साथ भाई देखो वैगन लिमिटेड आया था इसके साथ कितना चार सौ तिहत्तर करोड़ रुपए की लागत से छह सौ सत्तानवे बोगी ओपन मिलेक्ट्री वैगनों की खरीद की जाएगी है ना जो भी आपने इंग्लिश वाली स्लाइड में देखा और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ तीन सौ उन्तीस करोड़ रुपए की लागत से फिफ्टी सिक्स मैकेनिकल माइन माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट की खरीद शामिल है लेकिन टोटल डिफेंस मिनट्री की बात करें तो कितना करोड़ करोड़ ठीक है दो कॉन्ट्रैक्ट साइन अप हुए हैं एक कॉन्ट्रैक्ट भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ हुआ है एक कॉन्ट्रैक्ट भारत अर्थ मूवर लिमिटेड के साथ हुआ है और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जुबिटर वैगन लिमिटेड के साथ हुआ है दोनों ही आपको ध्यान रखते हैं एक भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ है और दूसरा ज्यूबिटर वैगन लिमिटेड के साथ है वैगन लिमिटेड से हम क्या आ, क्या कर रहे हैं सिक्स नाइनटी सेवन बोइंग ओपन मिलिट्री वैगन खरीद रहे हैं और यहां पर अगर हम बात करें भारत मूवर्स लिमिटेड के साथ तो फिफ्टी सेवन फील्ड मार्किंग इक्विपमेंट एम ट्रिपल एम ई है ना क्लियर है इतना बात, इतनी बात है? Okay. नहीं कहीं नहीं आर्यन राज क्लियर इतना पॉइंट चलो चलते इसी के साथ ही नेक्स्ट बिल्कुल शॉर्ट में नोट करते चलेंगे डियर बहुत ज्यादा देखिए पूरा डिटेल नहीं पॉइंट जो है वो आपको नोट करने हैं शॉर्ट में है ना वही पॉइंट ही है और इसके अलावा उस कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं यहाँ पर ठीक है नहीं डियर फास्ट तो मुझे तो वही नहीं लग रहा है चलिए ठीक है मैं स्लो हूं ठीक है चलो क्लियर इतना अब हो गया डन ठीक है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा साइनअप हुआ है इतना चलेंगे तो आई होप बिल्कुल सुंदरबन हनी ब्लैक है गॉड है, एंड कैंडिया सारीज है ठीक है ये सारे प्रोडक्ट देखो ध्यान रखते हैं अब इनके बारे में डिटेल में अभी हम देखेंगे अंदर लेकिन आपको बहुत सारे पॉइंट मतलब शॉर्ट में नोट करना है सारी चीजें नोट नहीं करनी है एक हो गया सुंदरबन हनी सुंदरबन हनी आएगा सुंदरबन शहद है ना ब्लैक नोनिया राइस सुंदरबन हनी ब्लैक नोनिया राइस टैंग एंड गॉड एंड कैंडिया सारीज़ ठीक है तो ये बात हो रही है सारी किसके लिए वेस्ट बंगाल के लिए वेस्ट बंगाल के लिए ठीक है As a part of national GI drive mission, West Bengal has acquired a geographical indicator for some product which include sarv, uh, Sundarban honey, black nonia rice from Jalpaiguri district, hai na? and uh, Tangle grod and कैंडियाल सारीज इनको क्या किया गया है अप्रूवल दिया गया है जीआई आई जियोग्राफिकल इंडिकेटर टाइग दिया गया है इन प्रोडक्ट को सुंदरबन हनी आप ध्यान रखेंगे ब्लैक नॉनिया राइस ध्यान रखेंगे जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में बहुत अधिक ये प्रोडक्ट उत्पादन किया जाता है इसका एंड कैंडियल सारीज आ जाएंगी ठीक है ये तीन प्रोडक्ट के नाम आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं ये तीन प्रोडक्ट आपको प्रोडक्ट के नाम आपको ध्यान रखने हैं क्लियर है इतना चलो द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑलरेडी अपलोड किया गया है ये नेम नेम पहले से ही अपलोड कर दिए गए ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द डेजिग्नेटेड पोर्टल डेजिग्नेटेड पोर्टल पर इन प्रोडक्ट्स के नेम क्या कर दिए गए हैं अपडेट कर दिए अपलोड कर दिए गए हैं ठीक है डन है इतना चले आगे बता दो भाई तुम ही लोग बताओगे तभी चलेंगे बता दें डन चले ओके okay, रिया मौर्या जी आप नेम सर्च करेंगी आपको मिल जाएगी आईडी आयुष अग्निहोत्री आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगी तो आपको आसानी से आईडी मिल जाएगी ग्रुप मिल जाएगा ठीक है डबल ए नहीं सिंगल ए रहेगा ठीक है अनामिका ने डबल ए लिखा है डबल ए नहीं सिंगल ए रहेगा ठीक है चलो चलते नेक्स्ट नेक्स्ट सेम एज वेल स्लाइड हिंदी में वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड देखो भाई अब किसी ने तो बताया होगा कोई राज्य जी है जीआई प्रोडक्ट लेना चाहता है तो ऐसा तो है नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार बैठी है भाई है ना तो कोई ना कोई होगा जो उसको क्या करेगा अप्लाई करेगा उसके लिए तो यहां पर वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है यानी डब्ल्यू बी एफ डी सी एल वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इसने अप्लाई किया था किसके लिए जीआई टैग के लिए ठीक है इन्होंने जीआई टैग के लिए क्या किया अप्लाई किया था अब जब अप्लाई किया तो फॉर सुंदरबन हनी के लिए अप्लाई किया था ठीक है डब्ल्यू एफ डी सी एल हैड अ कम्पीट विद अ पुणे बेस्ड है ना अगर वहां से नहीं मिलता आइडियल तो एट रेट ई एम से आप जा सकते हैं ठीक है ठीके? जो आईडी है वो है ई एम थिंक टैंक एट रेट ई एम टेलीग्राम पे जाएंगे आसानी से मिल जाएगा ठीक है एट रेट ई एम डब्ल्यू एफ डी सी एल हैड टू कंप्लीट विद पुणे बेस्ड इंटिटी टू विन द केस भाई वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा कंप्लीट किया गया पुणे बेस्ड इंटिटी टू विन द केस इन्होंने uh, केस चल रहा था पुणे बेस्ड है ना इंटिटी के साथ तो ये केस क्या कर लिया है विन कर लिया है किसने वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ठीक है दिस हनी वॉज कलेक्टेड बाय मौली कम्युनिटी भाई ये जो हनी प्रिपेयर किया जाता है कलेक्ट किया जाता है मौनी मौली कम्युनिटी के द्वारा किया कम्युनिटी के द्वारा मौली कम्युनिटी के द्वारा किया आता है सुंदर वन फॉरेस्ट से मौली कम्युनिटी के द्वारा किया ठीक है ठीक है चलिए डब्ल्यू एफ डी सी एल कलेक्ट एंड प्रोसेस द हनी एंड सेल्स इट विल विद द ब्रांड नेम मोबन। ब्रांड नेम क्या है मोबन। मौली कम्युनिटी के द्वारा तैयार किया जाता है और यहां पर जो नेम है, है वो है मोबन। सेम स्लाइड आपकी हिंदी में दी हुई है पश्चिम बंगाल वन विकास लिमिटेड ने सुंदरवन शहद के लिए एक विशेष जीआई टैग के लिए आवेदन किया था इन्होंने केस जीत लिया है पुणे स्थित इकाई के साथ एक इनका केस चल रहा था फाइनली यह केस विन किया है इन्होंने ठीक है यह शायद मौली समुदाय द्वारा सुंदरबन जंगल से एकत्रित किया गया था मौली समुदाय द्वारा सुंदरबन जंगल से एकत्रित किया गया था डब्ल्यू एफ डी सी एल शहद को एकत्र और संसाधित करता है और इसे मोबन ब्रांड के नाम से बेचता है, है ना क्लियर इतना चलिए ब्लैक नोनिया राइस इज कॉल्ड प्रिंस ऑफ राइस एंड इज कल्टिवेटेड इन द जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट भाई ब्लैक नोनिया राइस जो है ये जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में बहुत अधिक प्रोडक्शन होता है इसका इंडीजीनियस वैरायटी है राइस की इंडीजीनियस स्वदेशी वैरायटी है काले नूनिया चावल को चावल का राजकुमार कहा जाता है इसकी खेती राज्य के जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में बहुत अधिक होती है यह चावल की देसी किस्म है ठीक है यह चावल की देसी किस्म है कैडियल सारी की बात करें तो ये मिर्जापुर में जो है ऑफ मुर्शिदाबाद मिर्जापुर ऑफ मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल ठीक है टेंगल एंड गोर्डर साड़ीज की बात करें फेमस इन द फील्ड जो कि इस फील्ड में फेमस है कैडियाल साड़ी का उत्पादन केवल पश्चिम बंगाल के, के मुर्शिदाबाद जिले के मिर्जापुर में होता है मुर्शिदाबाद जिले के मुर्शिदाबाद मिर्जापुर में होता है मुर्शिदाबाद जिले के मिर्जापुर में होता है और टेंगल एंड गेरोल्ड गेरो गोरोड साड़ी भी इसी क्षेत्र में से प्रसिद्ध है ठीक है तो बिल्कुल ये प्रोडक्ट भी आप ध्यान रखेंगे थ्री प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली एक आपका हनी है एक आपका राइस है काला नोनिया राइस और एक आपका कैडियाल साड़ी है क्लियर है इतना सभी को क्लियर है इतना तो चलिए जी आई टैग के साथ इसके साथ ही हम लोग चलते हैं आगे देखते हैं आगे कौन सी हमारी न्यूज होने वाली है है ना या फिर आज भी कुछ आगे चीजें हैं कुछ और पॉइंट्स तो बिल्कुल क्लियर स्पोर्ट्स से न्यूज आ रही है भाई यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जी ने इनोग्रेट किया है बीच गेम्स हेल्ड एट घोघला बीच इन यूटी ऑफ दीव दमन एंड दीव है ना दमन एंड दीव की बात हो रही है बीच गेम्स रो ट्वेंटी फोर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने केंद्रीय शासित प्रदेश दमन एंड दीव के घोघला बीच पर आयोजित बीच गेम्स का उद्घाटन किया गया है भाई है ना बीच गेम्स का उद्घाटन किया गया ये गेम्स बीच बीचेस पर खेले जाएंगे बीच गेम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर कहा पर हुआ है दीव में हुआ है दमन और दीव दीव आइलैंड पर ठीक है दीव आइलैंड पर मिस्टर ठाकुर अटेंड द माई भारत प्रोग्राम माई भारत प्रोग्राम की बात की है यहां पर मलाला ऑडिटोरियम इन दीव Mera per, Mera 45 ,000 ,000 youth, है, वो क्या हो चुका है कनेक्ट हो चुका है श्री ठाकुर देव के मलाला ऑडिटोरियम में मेरा भारत कार्यक्रम में शामिल हुए उन्होंने कहा कि मेरा भारत प्लेटफॉर्म पर अब तक पैतालीस लाख युवाओं ने अपना नाम रजिस्टर कराया है ठीक है फिर आ जाए मिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर सेज द द द बीच बीच गेम्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम टुडे टू जनवरी एट घोगला ऑफ द यूनियन टेरिटरी है ना ये जो गेम्स बीच गेम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं ये टुडे uh, यानी कल से शुरू हो चुके हैं और अलेवेंथ ऑफ जैन तक चलेंगे घोगला बीच नाम ध्यान रखना है डायरेक्टली पूछा जाएगा डियर कहीं ना कहीं जरूर बनेगा ये पॉइंट मोर देन ट्वेल्व हंड्रेड प्लेयर्स यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट फेस्टिवल यह खेल महोत्सव बारह से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं अनुराग सिंह ठाकुर कहते हैं प्रदेश के बीच पर ग्यारह जनवरी तक गेम्स का आयोजन होगा ठीक है भाई चलो इंक्लूडिंग बीच वॉलीबॉल पीनेक सिलेट बीच बॉक्सिंग बीच सुकर एंड एंड सी स्विमिंग एलोंग विथ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स मलखम्ब रहेगा बीच कबड्डी रहेगा एंड ऑफ वॉर मोर दे इन द बीच गेम्स ऑफ डॉलफिन इन वेरियस गेम्स पेंटिंग एंड बैनर्स वेरियस गेम पेंटिंग और बैनर्स जो है डॉल्फिन की तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है इसके थीम में क्या है ऑप्शन में आपके डॉल्फिन और भी सारे जो आपके सी एनिमल्स हैं उनके नेम दे देंगे और आपसे पूछेंगे बताइए तो डॉल्फिन है इसकी विषय वस्तु कौन है डॉल्फिन है विभिन्न खेल चित्रों और बैनरों डॉल्फिन की तस्वीर लगाई जाएगी ये बीच गेम्स कब तक चलने हैं ये बीच गेम्स आपके चलने हैं कब तक इलेवेंथ ऑफ जैन तक चलने हैं कल यानी फोर्थ ऑफ जैन से शुरू हुए हैं दमन दीप दीव, दीव आइलैंड पे शुरू हुए हैं अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा इनोग्रेट किए गए हैं ये बहुत सारे वन लाइनर पॉइंट इस तरह के बन रहे हैं कितने स्पोर्ट्स यहाँ पर टोटल ऐड किए गए हैं एट स्पोर्ट्स हैं जो यहाँ पर देखने को हमें मिलेंगे आई होप इतना पॉइंट बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा होगा अगर इतना सब क्लियर हो रहा है तो फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में यस करो और सेशन को लाइक करो है ना और अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ भी शेयर करना उनसे भी बोला करो भाई लाइव कनेक्ट हुआ करो चलो लास्ट हमारी Mr., uh, uh, पूर्व वरिष्ठ आई आई एस अधिकारी है में जी का में क्या हुआ है हाल ही में निधन हुआ है ईयर 81, 81 नहीं पूछा था एज अ इंफॉर्मेशन है बस सी सर्वड इन वेरियस पोजीशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दिस सर्विस सी वाज आल्सो द प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर रही है ये में, में, ना आप समझ पा रहे हो डियर पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिटवीन नाइनटीन एट से टूट टू तक तो इस वजह से इनका नाम बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा आपको ध्यान रखना है किस फील्ड से बिलोंग करती है तो ये आपकी आई आई एस ऑफिसर रही है प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर रही है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में ठीक है सेम स्लाइड आपकी हिंदी में अवेलेबल वाल है आई होप आप सभी ने बहुत ही अच्छी से इस तरह की न्यूज को एंजॉय किया होगा हमारा बहुत ही आप सभी का चहेता पार्ट रैपिड फायर राउंड बिल्कुल शुरू हो चुका है तो फटाफट -फड़ कनेक्ट हो जाएंगे ये था न्यूज का पार्ट आई होप आप सभी ने न्यूज बहुत अच्छे से एंजॉय की होंगी तो फटाफट लाइक करिएगा स्टेशन को पसंद करिए पसंद कर रहा है तो आप लाइक करें फटाफट है ना अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा चलिए हम लोग चलते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ तो स्टार्ट करते हैं आज के रैपिड फायर राउंड को देखते हैं आज रैपिड फायर राउंड में क्या क्वेश्चन होने वाला है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है अच्छा नेम आप नहीं नोट कर पाए हैं चलिए नेम नहीं नोट कर पाए पाएड तो मैं फिर से एक बार ओपन कर देता हूं आप नेम जरूर नोट करें नेम को बिल्कुल स्किप ना करें ऑबिचरी जो है वो पर्सन कौन है श्रीमती एन जे कृष्णा श्रीमती एन जे कृष्णा ठीक है बिल्कुल मैं आपके कमेंट पे बिल्कुल ध्यान रखता हूं उड़ीयर तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है पूर्व वरिष्ठ आई एस ऑफिसर है मिसेस एनजे कृष्णा एनजे कृष्णा ठीक है याद भी करना है कल हम आपसे पूछेंगे भी ठीक है एनजे कृष्णा के निधन हुआ था तो बताइए है ना जरूरी नहीं कि रैपिड फायर राउंड लास्ट डे हाईलाइट हम आपको दिखाएं तभी आपसे पूछे बिना दिखाए भी पूछ सकते हैं और नाम लेके भी पूछ सकते हैं ठीक है चलिए एन जे कृष्णा ठीक है कृष्णा डन चले आगे चलो तो रैपिड फायर तो शुरू हो चुका था चलिए बिल्कुल हम लोग आ जाते हाँ बिल्कुल आ गए रैपिड फायर पे ओ नो 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 पर्दा बंद हो रहा है नहीं नहीं चलिए तो बिल्कुल पर्दा गिर चुका है और हमारा रैपिड फायर राउंड शुरू हो चुका है और हमारा रैपिड फायर राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है प्राइवेट सेक्टर बैंक में एफडीआई लिमिट कितनी भाई बताओ फटाफट फड़ से प्राइवेट सेक्टर बैंक में एफडीआई लिमिट कितनी आंसर करना शुरू करेंगे आप सभी आंसर करेंगे अपने अपने एंड से है ना आप सभी आंसर करना शुरू करें फटाफट फड़ से बिना किसी देरी के है ना बहुत ज्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा ओनली ऑन थर्टी सेकेंड है रैपिड फायर का मतलब ही है फास्ट यानी ओनली थर्टी सेकेंड जिसमें से दस सेकेंड आपके जा चुके हैं ऑनली ऑन ट्वेंटी सेकेंड्स ठीक है तो बस आपके दस सेकेंड्स बचे हुए टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री ट्यू वन टाइम अप फटाफट से कमेंट कर दे बिल्कुल तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर आंसर आने शुरू हो चुके हैं राधे बोल रहे हैं 100% परसेंट विकास कौशल बोल रहे हैं वन करोड़ भैया ये क्या बता रहे हो अभिषेक सिंह बोल रहे हैं सेवेंटी अभिषेक कुमार मौर्य बोल रहे हैं हंड्रेड परसेंट सरिता मौर्य हंड्रेड बोल रही है ओके okay, मुझे ऐसी आशा नहीं थी कि इस तरह से आप एक रूल लगा दीजिए अब से नेम पूछ पूछ कर आंसर पूछिए सबसे बिल्कुल डियर पूछेंगे अनन्या तिवारी 74 परसेंट बोल रही है सुरभि सिन्हा बोल रही है 74 फोर सीनू तिवारी 74 परसेंट बोल रही है अंतिमा गुप्ता 74 फोर सुबह सिंह 74 राहुल अलोरिया 74 बोल रहे हैं अब कुमार मौर्या सेवेंटी बोल रहे हैं चंदन दलाई सेवेंटी रिया मौर्य सेवेंटी तो डियर चलिए रिया मौर्य और फाइनली रिया मौर्य के आंसर से हम इसे लॉक करते हैं इस क्वेश्चन को राइट आंसर प्राइवेट सेक्टर बैंक में एडीआई लिमिट कितनी है सेवेंटी बिल्कुल राइट आंसर है यानी कोई भी प्राइवेट सेक्टर

नहीं डियर इसके अलावा आपने देखिए आप वो चांस की बात है आपने देखा हो हमने पॉलिटी से भी क्वेश्चन रखे हैं हमने करंट से भी क्वेश्चन रखे हैं रैपिड फायर राउंड बहुत ही वेरिएशन में रहता है ये बिल्कुल फिक्स नहीं है कि बैंकिंग में ही टर्म हम यूज करें या फिर हम आपके कॉन्स्टिट्यूशन ही यूज करें ओवरऑल फील्ड को हम कवर करते हैं ऐसे पार्ट जहां से डायरेक्टली अवेयर क्वेश्चन हो और डायरेक्टली एग्जाम में पूछे गए हो और पूछने की uh, क्या हो पॉसिबिलिटी हो है ना ये आपने बिल्कुल देखा होगा अगर आप लास्ट फर्स्ट ऑफ या सेकंड ऑफ दिसंबर से रैपिड फायर राउंड शुरू हुआ है और इसमें हमने पॉलिटी को भी कवर किया है बहुत सारे पॉलिटी के पॉइंट्स को बहुत सारे इकोनॉमी के पॉइंट्स को बहुत सारे करंट के पॉइंट्स को ठीक है डियर चलिए आंसर आने शुरू हो चुके हैं यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आंसर आने शुरू हो चुके हैं अगर मैं देख पाऊँ तो बिल्कुल इसके टाइम को मैंने शुरू कर दिया और यहाँ पर एफ का फुल फॉर्म फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भैया ठीक है तो सबसे पहले यहां पर जो आंसर दिखा है वे विकास कौशल दिख रहा है आ, नहीं अनन्या तिवारी ने सबसे पहले आंसर किया है भाई इस क्वेश्चन का सबसे पहला आंसर अनन्या तिवारी का आया ट्वेंटी परसेंट फिर विकास कौशल ने किया ट्वेंटी परसेंट फिर सरोज अग्रवाल ने किया ट्वेंटी परसेंट थर्ड जो हमारे राइट आंसर देने वाले हैं वो सरोज अग्रवाल पहले अनन्या तिवारी ने किया फर्स्ट सेकंड विकास कौशल सरोज अग्रवाल थर्ड है निकुंज मंडल ट्वेंटी बोल रहे हैं और फोर्थ पर्सन है हमारी रिया मौर्य जिन्होंने राइट आंसर किया हिमाद्री मिश्रा फिफ्थ पर्सन है जिन्होंने राइट आंसर किया राहुल अलौरिया फिर ट्वेंटी परसेंट बोल रहे हैं अभिषेक सिंह ट्वेंटी परसेंट राधे ट्वेंटी परसेंट सीनू ट्वेंटी परसेंट अनामिका ट्वेंटी परसेंट अभिषेक कुमार मौर्या ट्वेंटी परसेंट फिर इसके बाद में सुभी सिंह ट्वेंटी परसेंट बोल रही है सुभी सिन्हा ट्वेंटी परसेंट बोल रही है राधे ट्वेंटी बोल रहे हैं तहमीन ट्वेंटी बोल रहे हैं चंदन दलाई ट्वेंटी बोल रहे साकेत मौर्या ट्वेंटी बोल रहे ट्वेंटी बोल रही रिद्धि एफडीआई क्या है फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एट ठीक है और सेवेंटी फोर ऑफ वट एफडीआई फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो एंट्री ले सकता है प्राइवेट सेक्टर बैंक में वो मैक्सिमम कितना हो सकता है सेवेंटी फोर परसेंट हो सकता है प्रतीक गुप्ता ट्वेंटी परसेंट बोल रहे हैं और इसके साथ ही राहुल लॉक कर दिया गया है वेरी गुड आपके द्वारा सोभी ने लॉक किया है बहुत अच्छा डियर राहुल कुमार जी वेलन वेलडन एवरी वन चलिए बहुत अच्छे पब्लिक सेक्टर बैंक में जो एफ डी आई लिमिटेड कितना तो डियर बिल्कुल राइट है ट्वेंटी परसेंट एफडीआई और एफ क्या होता है एफडीआई फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम और आप किसी भी अदर कंट्री में अगर कर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं एक एफडीआई और एक एफ हमारी कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो दो तरीके या तो एफडीआई के थ्रू या एफ के थ्रू एफडीआई एफ आई आई में क्या डिफरेंस एफडीआई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोथ होता है और एफ आई आई ओनली ऑन शॉर्ट टर्म होता है जैसे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आ रहा है इंडिया में तो ये एफडीआई के थ्रू आ रहा है लोन कौन दे रहा है हमें जापान दे रहा है ठीक है एफ डी आई फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफ आई आई फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट यानी जो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक है वहां पर गवर्नमेंट ने लिमिट को कितना अप्रूवल दिया हुआ है सेवेंटी फोर परसेंट एफडीआई आ सकता है जरूरी कि सेवेंटी फोर हो मैक्सिमम सेवेंटी फोर से ज्यादा नहीं हो सकता कम हो सकता है और ऐसे ही पब्लिक सेक्टर बैंक में एफडीआई लिमिट कितनी है

नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यू की तरफ देखते हैं आज के एमसीक्यू हमारे क्या रहने वाले तो फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है निकलकर अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव दो हजार तेईस कहां शुरू हुआ फटाफट आंसर करते चलेंगे आप सभी हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या है राइट आंसर है एडियर कुरुक्षेत्र है ना अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव दो हजार कुरक्षेत्रा में शुरू हुआ अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का उत्सव का उद्घाटन किसने किया है तो उद्घाटन किया वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर साहब ने किया है ना महोत्सव के दौरान किन मंडपों का औपचारिक उद्घाटन किया गया केरला तमिलनाडु गुजरात महाराष्ट्र असम हरियाणा पंजाब राजस्थान तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है असम और हरियाणा ठीक है किन मंडपों का औपचारिक उद्घाटन किया गया है असम और हरियाणा वित्त वर्ष दो हजार तेईस चौबीस वित्त वर्ष दो हजार तीस इकतीस तक पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आवंटित वित्तीय परिव्यय क्या है परिवय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके साथ डिस्कस भी हुआ था बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है राइट आंसर right क्या है थर्टीन थाउजेंड करो तेरह हजार करोड़ राइट हो जाएगा पीएम विश्वकर्मा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है तो प्राथमिक उद्देश्य डियर इसका क्या है भाई स्किल अपग्रेडेशन एंड सपोर्ट फॉर आर्टिस एंड क्राफ्ट पर्सन पीएम स्कर्मा योजना के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होने के लिए कारीगर की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए तो न्यूनतम आयु डियर जो होनी चाहिए वो क्या है बहुत ही सिंपल ऑप्शन डी आपका एट्टीन ईयर होनी चाहिए गृह मंत्री द्वारा चंडीगढ़ में उद्घाटन किए गए सेंटर फॉर साइबर ऑपरेशन एंड सिक्योरिटी की अनुमानित लागत क्या है तो डियर सेंटर फॉर साइबर ऑपरेशन एंड सिक्योरिटी की अनुमानित लागत है जो वो कितनी है नाइनटी करोड़ रुपी नाइनटी करोड़ रुपयी ठीक है चलो फटाफट आंसर करते चलेंगे हम लोग देखते चल रहे हैं क्वेश्चंस को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में पैंतीस सौ करोड़ रुपए से अधिक की कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है तो डियर यहां पर राइट right आंसर है आपका प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स भारतीय कुश्ती महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया साक्षी मलिक ब्रिजभूषण शरण सिंह संजय सिंह या फिर अंतिमा शिरौन अनिता शिरौन सॉरी राइट आंसर है डियर यहां पर संजय सिंह ऑप्शन सी आपका राइट है भारत सरकार एशियाई विकास बैंक से कितनी ऋण राशि लेगा तो एशियाई बैंक से ऋण राशि जो लेने वाला है वो है हंड्रेड मिलियन यूएस डॉलर हंड्रेड मिलियन यूएस डॉलर एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं का फोकस पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर किस राज्य पर है बताएं फटाफट तो राइट आंसर यहां पर डियर है आपका त्रिपुरा जिसकी राजधानी है अगरतला ठीक है पीडीएफ कैसे मिलती है डियर सेशन में आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोर मिलेगा यहां पर मोर करेंगे एंड अगेन मोर करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा डाउनलोड पीडीएफ के आगे लिंक लगा होगा लिंक अगर नहीं लगाया तो थोड़ा सा वेट कर ले जैसे ही हमारी टेक्निकल टीम अपडेट करेगी आपको यहां पर लिंक मिलेगा लिंक पर क्लिक करेंगे न्यू पेज ओपन होगा पेज ओपन होगा तो आप इसमें देखेंगे यहाँ पर डेट मेंशन होगी जिस डेट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप गए वही डेट मेंशन होगी थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको इस तरह से टाइटल देखने को मिलेगा जहां पर ये टाइटल मिल जाए लिखा होगा डेली करंट अफेयर्स टाइटल जो होता है वही टाइटल आपका लिखा होगा जैसे ही टाइटल को आप टच करेंगे वैसे ही पीडीएफ बैक एंड पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी कुछ सेकंड का वेट करेंगे पीडीएफ आपके एंडराइड पर जो भी ऐप होगा वहां पर आपको मिल जाएगी ठीक है चल इसी के साथ ही चलते हैं आज के विनर अनाउंसमेंट की तरफ यानी कल का जो किस क्वेश्चन था उसका राइट आंसर था एट ऑफ सेप्टेंबर ठीक है तो ये क्वेश्चन था हमारा

नेक्स्ट चलते हैं वॉलंटियर की तरफ वॉलंटियर में नाम आ रहा है विकास कुमार का है ना इसके बाद में हम बात करें विकास कुमार जी के बाद में है डीजे रंगदार बाबू है, है ना और फिर इसके बाद में सुभी सिंह है और विकास कौशल है ये हमारे आज के वॉलंटियर है कॉन्गेट्स बिल्डर बहुत अच्छे चलिए चलते हैं इसी के साथ आज के क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ देखते हैं आज का क्वेश्चन क्वेश्चन क्या होने वाला है है ना तो चलिए आज का क्वेश्चन क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है डियर, जो भी फर्स्ट टाइम करेक्ट है उनको पता होना चाहिए मेन कमेंट बॉक्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना होता है चलिए तो आज का क्वेश्चन है द इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब होता है फर्स्ट ऑफ सेप्टेंबर सेवन सेप्टेंबर एट सेप्टेंबर या फिर नाइन्थ ऑफ सेप्टेंबर तो फटाफट से इसका आंसर मेन कमेंट बॉक्स में आपको करना है तो बिल्कुल आज के लिए इतना ही आयोप आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से सेशन को एंजॉय किया होगा अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और सेशन में लाइव आया करें सेशन को लाइव ही अटेंड किया करें इससे आप बहुत सारी चीजें सीख पाते हैं डियर ठीक है और बिल्कुल आपकी एडिटोरियल की क्लास बिल्कुल शुरू होने वाली है मैम आ चुकी है स्टार्ट कर रही है तो फटाफट से मैम के साथ कनेक्ट हो जाए और फाइनली एडिटोरियल में देखें क्या पॉइंट्स होने वाले हैं क्या वहां से वॉकअप निकल कर आ रही है और क्या सारे पॉइंट्स होने वाले हैं ठीक है डियर थैंक यू एवरी गुड बाय टेक केयर हैव अ नाइस डे जय हिंद